स्वाट टीम और रानी सराय थाने की पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक आलू लदे ट्रक से करीब 500 पेटी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब हरियाणा की बताई जा रही है, जिसे बलिया के रास्ते से बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इन सब के बीच, इस घटना के बीच जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, बिहार में नीतीश सरकार पूर्ण रूप से दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। उसके बाद शराब माफियाओं का ये अवैध काला धंधा, ये गोरख धंधा, जो शराब लगभग 15 लाख रुपए की बिहार भेजी जा रही थी, ये साबित करती है कि आज भी कहीं ना कहीं बिहार में शराब माफिया पूरी तरह से हावी है। स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में शराब ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद स्वाट टीम और रानी की सराय पुलिस ने बिलैसा मंडी के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान वाराणसी की तरफ से आलू लादकर आ रहे एक ट्रक को जब पुलिस ने रोका और चेक किया तो पुलिस के होश उड़ गए। ट्रक में आलू के बोरियों के नीचे करीब 500 पेटी अवैध शराब रखी गई थी। सफेद और भूरे रंग की पेटी में अलग अलग 750 ml की, तकरीबन 125 पेटी और 180 ml की 360 पेटी शराब थी। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख बताई जा रही है। बरामद शराब हरियाणा प्रांत की है। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ की तो पता चला कि हरियाणा से शराब को लादकर वह बलिया के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ट्रक चालक से पूछताछ के आधार पर एक शराब भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। ये रात की घटना है। रानी सराय थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही थी, जो कि हरियाणा से बलिया ले जाई जा रही थी और बलिया से उसको बिहार बॉर्डर पर क्रॉस कराना था। तो उस मामले में एक ट्रक शराब पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत ट्रक सहित करीब 25 लाख रुपए की है। और उसमें जो व्यक्ति शराब भेजा है उसको नेम्ड किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अभी पुलिस आगे इसमें सुनिश्चित कर रही है।